कि आज का इंसान परेशान क्यों है। सबसे पहली वजह यह है, आज का इंसान इसलिए परेशान है, वो मेरे नमाजी भाइयों, ये माफी तलाफी का मामला नहीं करता, ये दिल से बैर खत्म नहीं करता। यार झगड़े कहाँ नहीं होते, गलत फहमियाँ कहाँ नहीं होती, इंसान गुस्से में आ जाता है, जज्बात में आ जाता है, भाई गाली भी दे सकता है, गिरेबान भी पकड़ सकता है, कोई भी मामला हो सकता है। लेकिन आज का इंसान इसलिए परेशान है कि वो माफ़ी तलाफी का मामला नहीं करता और सारी जिंदगी अपने दिल से बैर खत्म। मैं आपको एक सच्ची बात बताऊं, एक प्रोफेसर साहब हैं, लाखों में उनकी तनख्वाह है, बेटे उनके पास हैं, कोठी में रहते हैं। लो जी, मैंने जब से होश संभाला है ना बाबा जी, मैंने उनको परेशान ही देखा है। प्रॉब्लम क्या है? दिल के बड़े गंदे हैं, दिल के बड़े कोड़े हैं। 10 साल पुरानी बात भी आज भी उनके दिल में उसी तरह तरोताज़ा है। तानो तशनी करते हैं और हुल्लड़बाजी करते हैं, 2-3 साल पुरानी बात भी बार बार उसे दोहराते रहते हैं। अल्लाह की इज्जत की कसम उठा के कहता हूँ, मस्जिद में बावजू बैठा हूँ, उनकी परेशानी की सब कुछ है, औलाद भी है, माल भी है, पैसा रुपया भी है, कोठी भी है, परेशानी की वजह क्या है कि उनके अंदर मैंने माफ़ी तलाफ़ी का मामला नहीं देखा। जिस्मानी तौर पे भी बीमार रहते हैं, रूहानी तौर पे भी बीमार रहते हैं, और बस मैं आपको क्या बताऊँ, मेरे पास अल्फाज नहीं है कि उनकी बेबसी में अल्फाज में बयान करूँ। तो मेरे प्यारे भाइयों, मैं आपको अल्लाह का वास्ता दे के कहता हूँ, और नमाज़ पढ़ने वालों और रोज़े रखने वालों, ये दुरूस कोई आप ऐसे समझें कि आपको कोई इल्मियत दिखलाने के लिए नहीं है, कोई अंदाज़ दिखलाने के लिए दुरूस नहीं है। इन दुरूस का एक मकसद है कि आज का इंसान परेशान क्यों है, वो माफ़ी तलाफ़ी नहीं करता। भाई दिल से मामला साफ़ कर दिया करो, माफ़ कर दिया करो। यहाँ मैं कोई लंबे चौड़े आपको माफ़ी तलाफ़ी के फ़ज़ाइल नहीं बतलाने चाहता, मैं तो सिर्फ़ असबाब और उनका हल बयान करना चाहता हूँ कि आज के इंसान के परेशान होने की एक बुनियादी वजह यह है कि वो माफ़ी तलाफ़ी का मामला नहीं करता। मैं दुआ करता हूँ मोहब्बत से आमीन कहें, या इलाहल आलमीन, हम सबको माजी में जो कुछ हुआ, जिसने हमें नहक सताया है उसे भी और जिसने बरहक सताया है उसे भी, या अल्लाह हम सबको दिल से माफ़ करते हैं। अल्लाह हम सबको हर किस्म की परेशानी से निजात नसीब फरमा। वैसे आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, इधर देखें, ये परेशानी की एक वजह है कि नहीं? मैं खुशकी में तैराकी ना करता रहूँ, आपसे भी ज़रा पूछ लूँ, ये एक बुनियादी वजह है कि नहीं? जब दो बंदे आपस में लड़ते हैं, भाई भाई लड़ते हैं, ख़ानदान में झगड़ा होता है, फिर सुकून होता है कि परेशानी होती है? खाम खा कि आपने टेंशन लेनी है तो किसी से लड़ के देख लो, नमाजें बर्बाद। मैं तो बड़ा हैरान होता हूँ कि दिल में इतना जाला माला रख कर बंदा नमाज कैसे पढ़ लेता है, तरावी कैसे पढ़ लेता है। तो इसलिए भाई ये बुनियादी वजह, हम माफ़ी तलाफ़ी नहीं करते।